मसाला डालती है और पानी डालती है और 10 मिनट में आटा तैयार होती है। आटा लिया और पानी इतना डाला जितना नॉर्मली हाथ से आटा गूंदने के लिए पानी डाला जाता है, ताकि ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना हो। और ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में ये आटा गूंद के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा तो एक चम्मच देसी घी या दूसरा घी डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें और आटा डाल के बीच में जितना पानी डाल दें जितना आपको ज़रूरत है, यानी कि ना ज़्यादा आटा गूंदने का बन गया हो, जैसे नॉर्मली हाथ से गूंदते हैं ना उतना ही इसमें पानी डाल दें। पूरा हो जाएगा मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसा कैसा पता चलता है पूरा गूंद के। ये तैयार हो गया, इसके ऊपर पूरा ऐसे करके फोल्ड हो जाता और ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है, ऐसे हाथ से भी नहीं उठता। और इसको निकाल दे, ये रेडी हो गया। अब इसको मैं खोल देती हूँ ताकि ये वाला पार्ट जो है ना ये लगाना है। इसके 2-3 पार्ट्स आते हैं इसके साथ, लेकिन आटा गूंदने के लिए ये वाला पार्ट यूज़ होता है और ये एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब आटा गूंद लेते हैं इसको उतार के वॉश कर लेते हैं और इसमें हो गया। अब थोड़ी देर में हम रोटियाँ बना लेंगे।